बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमने लास्ट वीडियोस में हमारे जो अभी के जो लेटर्स हमने सीखे हैं वो है एस और टी। तो आज हमारा दोनों का रिवीजन है, हम रिवीजन करेंगे, उसके रिलेटेड थोड़ी एक्टिविटी करेंगे ताकि एस और टी जो लेटर आपका है उसको आप कैसे पहचान सकोगे। मैंने पहले आपको सिखाया है कि एस से रिलेटेड दूसरे भी वर्ड्स होते हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एस से फॉर खाली सन ही नहीं होता है, दूसरे वर्ड भी होते हैं, और या फिर टी फॉर टाइगर ही नहीं होता, दूसरे भी वर्ड होते हैं। इससे आपको पहचानने में अच्छे से आप पहचान सकते हो कि एस या टी लेटर से दूसरे वर्ड होते हैं और वो लेटर को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर उसके अलावा आज हम दूसरी एक्टिविटी भी करेंगे। पहले हम थोड़ी एक लाइन रिवाइज कर लेंगे जो हम हर बार करते हैं कि ए से लेके टी तक का रिवीजन कर लेंगे, फिर वो जो दो एक्टिविटी है जो एस के रिलेटेड और टी के रिलेटेड वो आज हम करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो मेरे साथ आपको रिवाइज करना है, मैं बोलूँगी और आपको पीछे बोलना है। ए बी सी, आप लिखो मेरे साथ, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो ये हमने एक्शन के साथ लेटर लिखे जो हम क्लास में भी पहले करते थे। आपको अच्छे से याद रहेगा कि ये लेटर को कैसे लिखा जाता है, तो आप ये एक्शन कर सकते हो और एक्शन करोगे तो आपको याद भी अच्छे से रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एस के रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटी है वो। तो यहाँ पे मैं पहले एस लिख दूंगी, जो हम सी फॉर कव, सी फॉर कैट का कव और डी फॉर डॉग का कव मिला के जो एस बनाते थे वो मैंने एस लिख दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ी वर्ड लिखूंगी, स्पेलिंग लिखूंगी, उनमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन द लेटर एस। अंडरलाइन मतलब उसके नीचे हमें लिटी करनी, उसके नीचे हमें लिटी करनी। पहले हम सर्कल करते थे, अभी कुछ और नया कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे उसके नीचे अंडरलाइन मतलब लिटी करेंगे, लाइन करेंगे। अंडरलाइन द लेटर एस, अंडरलाइन द लेटर एस मतलब इस तरह हम जहां पे एस होगा वहां हम क्या करेंगे, लिटी करेंगे, उसके नीचे लाइन करेंगे। तो पहले मैं वर्ड लिख देती हूं, ये वर्ड एस, एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड नहीं है बेटा, इसके अंदर कहीं ना कहीं एस है, तो हम क्या करके उसके नीचे लाइन करें। तो ये वर्ड अलग अलग है हाँ बच्चों,
तो ये वर्ड मैंने लिखे है सन, जैस्मिन, शूज, चेस, डिजाइन, सन, ये रीड किए हैं मैंने अभी तो। पर आपको इससे ऐसा रीड नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी दूसरी है, अलग है। आपको खाली करना क्या है इसके अंदर, जहाँ पे आपको एस फॉर सन एस दिखता है उसके नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन मतलब उसके नीचे लाइन, आपको छोटी सी लाइन करनी है। तो यहाँ पे आपको पहले बताना है कि एस कहाँ है, ये है यस, तो हम क्या करेंगे उसके नीचे लाइन करेंगे। अभी दूसरा है स्पेलिंग जैस्मिन, तो जैस्मिन के अंदर एस कहाँ है, ये है नो, ये नो, ये है यस, तो हम क्या करेंगे एस के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अभी शूज की बारी है, शूज में हमें दो एस दिखेंगे, आपको दो एस आइडेंटिफाई करने होंगे। सबसे पहला तो मैं कर ही लेती हूँ, ये रहा है। अभी दूसरा आपको ढूंढना है, ये है नो, ये नो, ये नो, ये यस, तो ये एस मैंने अंडरलाइन किया। यहाँ अभी नेक्स्ट चेस की बारी है, यहाँ पे क्या है दो दो एस है, वो भी बाजू में ही है, तो हम कर लेंगे एस एस, ओके। अभी नेक्स्ट डिजाइन, ये जो वर्ड है उसमें से हमें क्या करना है, एस ढूंढना है, ओके। ये है नो, ये नो, ये यस, ओके। अभी लास्ट सन, एस ओ एन सन, तो ये इनमें एस कहाँ है, ये रहा, तो हमने क्या किया उसको अंडरलाइन किया। तो बच्चों ये थी हमारी एस से रिलेटेड एक्टिविटी। ये आप वर्ड को आपको कुछ नहीं करना है, ये वर्ड खाली आपको उसमें से एस ढूंढ कर लिखने के लिए ही दिए हैं। आपको कोई स्पेलिंग के साथ नहीं याद करना है उसको, या फिर ये नहीं समझना है कि एलकेजी के बच्चे हो आप छोटे हो तो ये स्पेलिंग क्यों दिए, ये नहीं है। आपको ओनली उनमें से एस ढूंढने के लिए ही आपको ये वर्ड दिए गए हैं, ताकि एक कुछ अलग एक्टिविटी हो बच्चों के लिए, इसीलिए खाली उनको बच्चों को एस ढूंढना है इसमें से और नीचे लाइन करनी, ओके। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम नई एक्टिविटी दूसरी जो टी के रिलेटेड है वो करेंगे। तो बच्चों हमारा नया जो लेटर है, नया नहीं हमने पढ़ा है, पर आज की जो एक्टिविटी के लिए जो दूसरा लेटर है वो है टी। टी हम कैसे लिखते थे, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, तो ये हमारा टी हो गया, ये टी। अब उसके रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो है सर्कल द लेटर। इससे पहले हमने क्या किया, अंडरलाइन द लेटर एस, अब क्या करेंगे सर्कल द लेटर टी। तो क्या करेंगे, जहां पे हमें टी दिखेगा वहां हम क्या करेंगे, सर्कल, सर्कल द लेटर टी, जहां जहां हमें टी दिखेगा, टी फॉर टाइगर, टी फॉर ट्री, टी फॉर टेबल, जो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, तो वो टी जहाँ जहाँ हमें दिखेगा हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो इससे पहले मुझे अल्फ़ाबेट लिखने पड़ेंगे, मिक्स एंड मैच में अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखूँगी, सीक्वेंस में नहीं लिखूँगी, लाइन वाइज नहीं लिखूँगी, थोड़े आड़े टेढ़े लिखूँगी, ओके।
अंदर ही मैं लिखूंगी ताकि आपका ध्यान ऊपर टाइटल पे या कहीं और ना जाए और आपको टी ढूंढने में आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। बच्चों ये मैंने बनाया है एक स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर ये जो शेप होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ये जो शेप है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जो हम शेप नेम्स करते हैं ना उसके अंदर स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, फिर वो सर्कल होता है जो हमें अभी आपको मैंने आपको सिखाया कि हमें टी के ऊपर सर्कल करना है। तो ये सर्कल वाला तो ये भी एक शेप है जो मैंने बनाया है। वो स्क्वायर के अंदर मैंने थोड़े आड़े टेढ़े अल्फ़ाबेट लिखे हैं, मिक्स एंड मैच अल्फ़ाबेट लिखे हैं। आपको इनमें से टी को ढूंढना है। टी फॉर टाइगर, टी फॉर ट्री, टी फॉर टेबल और क्या था, टी फॉर, आपको पता है बच्चों टी फोर और क्या था, हमने कल पढ़ा था, क्या था? टमेटो। टी फोर ट्रेन था ना। तो इसी तरह हमें ये टी को यहाँ से ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी ये टी है? यस। तो हम क्या करेंगे? सर्कल। ये ट्री है? टी है? नो। ये है? नो। ये है? नो। ये? नो। ये टी है? नो। ये है? यस। तो सर्कल करेंगे हम। ये टी है? नहीं, ये तो क्यू है। ये टी है? नो। यस, टी है ये। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सर्कल करेंगे। ये W है तो T नहीं है। ये T है? यस। तो हम उसको सर्कल करेंगे। ये क्या है? S। ये T नहीं है और हम अभी T की एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये नहीं है। अभी यहाँ पे हमने बेटा सीखा T को कैसे आइडेंटिफाई करते। इससे पहले हमने स्पेलिंग से सीखा था S को आइडेंटिफाई करना अंडरलाइन करके। अभी ये हमने किया सर्कल करके कि लेटर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो इसी तरह बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये जो गेम जो एक्टिविटी हम हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड करते हैं उनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है ताकि आप वो लेटर पहचान सको, आइडेंटिफाई कर सको कि उसको कैसे लिखते हैं और उसको हम कहीं लिखा हुआ भी हो तो आप आपके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बता सकते कि देखो पापा या मम्मी ये लेटर ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, जो भी लेटर हमने सीखे हैं वो। तो मैंने एक छोटा सा टी बनाया है रेक्टेंगल शेप के, एक है उसके ऊपर मैंने रेक्टेंगल शेप की चीज जो हम हमारी नोटबुक का फ्रंट पेज होता है, शीट होती है, उसके ऊपर मैंने बनाया है। तो ये आप देख सकते हो, पहले मैंने स्टैंडिंग लाइन बनाई थी फिर स्लीपिंग लाइन बनाई। आप क्ले से ये अच्छे से बना के भी कर सकते हो। तो बच्चों अब हम करेंगे हमारा जो रेगुलरली होता है वो है जो लास्ट में ओरल। तो आज ओरल का हम नया कोई टॉपिक नहीं लेंगे। हमने पहले से जो टॉपिक जो हमने इससे पहले याद किए हैं, मैंने आपको करवाए हैं, उनको हम थोड़ा फिर से रिवीजन कर देंगे ताकि आप भूल न जाओ और अच्छे से याद रखो। तो आज बेटा हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आज ओनली मैं जस्ट आपको ओरली बोलूँगी, आपको मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है बच्चों? सबसे पहले हम करेंगे डेज ऑफ द वीक, ओके? तो आपको मेरे पीछे बोलना है, बोलोगे ना बच्चों?
वेरी गुड, जैसे क्लास में बोलते थे आप। ओके, डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हमारे थे बच्चों डेज ऑफ द वीक। आपको स्क्रीन पे भी दिखाया होगा, दिखाया है तो आप देख सकते हो। इसके बाद करेंगे हम मंथ्स ऑफ द ईयर। तो बोलो मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हमारा हो गया ये मंथ्स ऑफ द ईयर। आप तो खाली ओरली बोलते ही सीखोगे तो चलेगा बच्चों। अभी हम करेंगे थ्री सीजन्स ने। तो थ्री सीजन्स, विंटर, समर, मॉनसून। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आपको अब वीडियो रिवाइज करके भी देखनी है, वापस देखनी है तो देख के भी अच्छे से ओरल करना। और स्क्रीन पे भी हमने बताया है तो आप तो स्पेलिंग नहीं रीड कर पाओगे बच्चों, पर जो हमने बोला है, जो हम ओरल करवाते हैं, वो अच्छे से आपको पीछे रिपीट करना है और याद करना है। जो भी मैंने एस से रिलेटेड और टी के रिलेटेड एक्टिविटी करवाई है वो आप अच्छे से रिवाइज करके भी देखना, और जब हम होमवर्क दें तब भी आपको अच्छे से करना है। जो हम लिखते हैं नोटबुक में एक एक बार लिख के देते हैं, आपको रिपीट करना होता है नीचे, तो अच्छे से फोर लाइन की बुक में लाइन मेंटेन करके लिखना बच्चों, ओरल भी करना। और ये जो एक्टिविटी हम अंदर करवाते, अगर आपके पेरेंट्स आपके बाजू में बैठे हैं और अगर आपको रफ बुक में करवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर इसी तरह अच्छे से समझ में आता है तो वैसे ही समझना, पर अच्छे से लेटर आइडेंटिफाई करना आपको सीखना है। ओके बच्चों, थैंक यू।